हम तेजस्वी से पूछना चाहेंगे, सरकार में थे, सरकार में रहते तो नहीं करा पाएगा, सरकार में रहते ध्यान नहीं। अब देख रहे हैं चुनाव का वक्त है, उनका आश्वासन दे रहे हैं जब भी करेंगे सरकार ही करेगी। नमस्कार, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब डिजिटल चैनल पे। फिलहाल हम बता दें, पटना बिहार कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने मीडिया से संबोधित करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, समान काम के बदले समान वेतन में जो भी फैसला आया है, इस फैसले पर हम जाकर अध्ययन करेंगे और हम विपक्ष के नेता तेजस्वी से पूछना चाहते हैं कि जो सरकार में थे तो वो क्या किए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या बातें की हमारे रिपोर्टर से। ऐसे मैं समाचार पत्रों में देखा हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया जा करके है, तो फैसला का समीक्षा हम लोग कर ले जा करके, अब उस पर सरकार देखेगी आगे क्या करना है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐलान किया उनकी सरकार बनेगी तो समान वेतन उनका ख्याल रखेंगे और समान काम का समान वेतन। हम तेजस्वी से पूछना चाहेंगे, सरकार में थे तो सरकार में रहते क्यों नहीं करा पाए जा करके, तो रुका था उनको जाकर, सरकार में रहते ध्यान नहीं दिए। अब देख रहे हैं चुनाव का वक्त है तो झूठा आश्वासन दे रहे हैं जा करके, जब भी करेंगे सरकार ही करेगी जा करके, सरकार की सहानुभूति सचिवों के साथ हमारी है जा करके। लेकिन अब क्या फैसला है वो अध्ययन किया जाएगा और आगे इस पर विचार किया जाएगा। क्या डीवीसी के साथ है आपकी सरकार कि छोड़ देंगे? इस मामले में हम सबों की सहानुभूति है और मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में था और उच्चतम न्यायालय का प्रतिष्ठा हम देख रहे थे, फैसला आ गया है। अब फैसले को देखा जाएगा किस तरह का फैसला आया है, और अभी तो मान लेते हैं कि आचार संहिता भी लागू जा करके, अभी कुछ ऐलान भी नहीं, कुछ घोषणा किया जा सकता है जा करके, जब भी होगा अब चुनाव के बाद ही उस पर सरकार देखेगी क्या फैसला, फैसला के मुताबिक मतलब कि अंदर अंदर ही सरकार मन बना चुकी है कुछ करने के लिए, नियोजित सचिवों के लिए। ऐसे अभी तो कह तो रहे कि आचार संहिता कुछ कहना मतलब जाकर कुछ घेरे में आएगा मामला जा करके, और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है और फैसले को समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्या उनका स्टैंड है, क्या उनका सुझाव है, क्या डायरेक्शन जा करके है, सरकार उसको देखेगी। नहीं लगता कहीं ना कहीं बोर्ड पे कहीं ना कहीं इसका असर जो है बोर्ड पे भी पड़ेगा। ऐसे बिहार में मैं 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6ठा चरण का कल चुनाव संपन्न होने जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे राज्य में मैं करीब 32 लोकसभा क्षेत्र में मैं गाड़ी से भी गया हूँ, रेल से भी गया हूँ और हेलीकॉप्टर से भी, तो ग्राउंड पर हकीकत यही है कि आम जनता चाह रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने जा करके, उनके पक्ष में एक मतलब सुनामी और लहर है जा करके। और ऐसा इसलिए है कि 5 वर्षों में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सबकी चिंता उन्होंने की, जो का 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, ये नरेंद्र मोदी की सफलता 5 वर्षों की जा करके है, और उसको लेकर के एक हवा बना है पूरे देश के अंदर में बिहार में कि फिर से मोदी जी को ला। ठीक, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा उन्होंने कहा है कि अब तक चुनाव का वक्त आया है तो जनता से झूठ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, इस बार पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ही बनेगी और शिक्षकों के साथ हमारी सहानुभूति है। तो इसी के साथ मैं तरन्नुम आपसे अलविदा लेना चाहूंगी और हम फिर मिलेंगे कुछ नए स्टोरी के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज बिहार, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।